शहीदों को सबसे पहले शहीदों को एक सर्विसमैन को पेट्रोल पंप देने का काम भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। सुनिए एक बात बताइए, उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है ना, जो अपनी सारा त्यौहार बॉर्डर पे सैनिकों के साथ बिताता है, ठीक ना। इसके पहले कितने प्रधानमंत्रियों को सैनिकों के बीच में आपने देखा है, किसी को देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा भाई कि कोई प्रधानमंत्री जाके, अब सोचिए कि जो अपना सब कुछ जब त्यौहार होता है तब उन बच्चों के साथ जाके उनके हौसले को अफजाई कर सकता है, उनके साथ तो गद्दारी करेगा। ये बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा एक शब्द में, एक शब्द? 400 पार भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। एक कि जो मजदूर का बच्चा है, जो मजदूर मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, वो वही कर रहते रहे। MBA चाय वाला मजदूर का बेटा था, एक इंजीनियरिंग पढ़ा, उसके बाप कितना पैसा फेंका होगा इंजीनियरिंग। सुनिए, वो MBA छोड़ के और चाय बेचना चालू किया, क्या चाय बेचना छोटा काम नहीं है? कहीं यहाँ पे अगर CP में यहाँ पे ठेला डाल के अगर चाय बेचेंगे लोग क्या कहेगा, चाय बेचता है इसका क्या औकात है? लेकिन आज सुनिए, आज उसका फ्रेंचाइजी खोल लिया जहाँ था, अरे खाली ढोकोसा। सुनिए, प्राइवेट सेक्टर में जाने से जानते हैं युवाओं को दिक्कत क्या है, वहाँ पे आरक्षण नहीं है। सुन लीजिए कैसे, वहाँ पे अगर 10वां पास है ना तो 10वें पास लायक नौकरी मिलेगा, 10वें पास लायक सैलरी मिलेगा। लोग सरकारी नौकरी के भरोसे रहते हैं इस देश में क्या चाहते हैं लोग, एक बार मैं मेहनत कर लूं फिर मैं आराम से बैठ के खाऊं। आदमी को ये नहीं करना चाहिए भाई, सरकारी के भरोसे क्यों है? तो एक दो साल ट्राई कर ले, लग गई तो ठीक है, नहीं तो तू अपना काम कर। प्राइवेट सेक्टर में लोग काम नहीं कर रहे, कमा नहीं रहे, कुछ भी बिजनेस करो, कुछ भी काम करो, अच्छा पैसा है। हम भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, आप लोगों की राय दिखाते हैं। आप लोग देखो कितनी मेहनत कर रहे हो दिन रात, रात के 8 बजे यहाँ पे CP पे, अभी आप जाने कितने बजे घर जाओगे, 11-12 बजे, तो इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो। ऐसी सब लोग मेहनत करें तो फिर तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इकोनॉमी। आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में जाओ, मैक्स हॉस्पिटल में और इधर उधर के कितने भी सारे हॉस्पिटल हैं प्राइवेट, उनमें जाओ, एक से एक अच्छे डॉक्टर हैं उनमें, और अच्छे अच्छे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन को सफल कर रहे हैं। वो सरकारी में डॉक्टर नहीं जाना चाह रहे क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है उनके पास। तो मैम बात ये, प्राइवेटाइजेशन से फायदा तो है ही ना, लेकिन जहाँ पे जैसे पत्रकारिता प्राइवेटाइजेशन है, तो देखो पहले एक दूरदर्शन चलता था, आज देखो कितने सारे चैनल चल रहे हैं, कंपटीशन भी है, तो ये चीज़ तो है पत्रकार, उससे प्राइवेटाइजेशन से फायदा ही है देश को। आज कोई भी चैनल बेरोजगारी की बातें क्यों नहीं करता? कितने लोग हैं, कितने घर से नहीं निकलेगा, जो घर से नहीं निकलेगा वो बेरोजगार है, जो घर से निकल गया उसके बाद रोजगार है। जी सर, जो घर से नहीं निकलेगा वो बेरोजगार है सरकारी। देश के नेता थोड़ी घर में से खींच के लाएंगे, योगी जी थोड़ी जाएंगे किसी घर, भाई चल तू बाहर निकल और तुझे चल सरकारी IAS बना देते हैं, चल तुझे कि चल भाई तुझे रेलवे में लगा देते हैं, ये थोड़ी होता है भाई। जो काम करेगा उसके लिए रोजगार है। मैं तो एक छोटी सी दुकान लगा लो यहाँ पे, देखो वो रोजगार बन जाएगा तुम्हारा, धीरे धीरे अच्छा काम करो वो सेट हो जाएगा बढ़िया। मैं बताता हूँ, नहीं देखो ये लोग कितने सारे लोग रोजगार कर रहे हैं। नौकरी मेरा ही भतीजा अहमदाबाद में बैंक मैनेजर था, उसने नौकरी वहाँ की भी छोड़ दी और उसकी दूसरी रिजर्व बैंक में लग गई दिल्ली के अंदर, और सरकारी नौकरी जो है का 70 लाख के पैकेज में प्राइवेट में अमेजन। MBA चाय वाला, ठीक है, MBA चाय वाले की आज फ्रेंचाइजी बनी है, वो बनी है, उससे भी बड़े लोग थे जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं था, बिजनेस की जो स्ट्रेटजी होती है ना। सुनो, वो बच्चा यार कुरियर कंपनी खोल लिया महाराष्ट्र का और लाखों रुपया टर्नओवर है उसके कंपनी का, बैकग्राउंड डजंट मैटर। जिस लड़के का 14 साल का बच्चा का कहानी बता रहे हैं उसका भी बैकग्राउंड नहीं है डार्ट, कुछ भी सर कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, MBA चाय वाला क्या किया था, उसका स्टोरी पता है सर? वो सुनिए क्या है, थोड़ा स्टोरी बताइए तो। उसने फैमिली पे, भैया चाय वाले पे बहस नहीं हो रही यहाँ पे, भैया आप बताओ प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए 24 में? तो नरेंद्र मोदी है, कोई विपक्ष में ही नहीं है, कोई नहीं है, कौन है विपक्ष का नेता, किसको बनाएंगे? राहुल गांधी, उसको खुद अक्ल नहीं है, कभी आटा लीटर में बेच देता है, KG में बिकता है, उसको यही नहीं जानकारी। सुनिए, NCC नेशनल कैडेट कोर, एक बच्ची जो नेशनल NCC से आती है, उसने सवाल किया कि सर NCC क्या है, उसने राहुल गांधी ने बताने पर, आप सुनिए केजरीवाल की बात करेंगे, केजरीवाल का पार्टी ऐसा है उसमें अगर अच्छा आदमी भी जाता है तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, कैसे बता देते हैं। मनीष सिसोदिया मंत्री किसके हैं, केजरीवाल के, उन्होंने विधानसभा में रिपोर्ट सबमिट किया था CAG, और CAG रिपोर्ट में दिल्ली के ऊपर हर विभाग के ऊपर कर्ज था, जितनी विभाग है ऑल ओवर अगर कर्ज देखे तो दिल्ली के ऊपर 7% कर्ज बढ़ गया है। तो कह रहे हैं सर दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। अरे फायदे में सर, सुनिए जो फायदा हुआ है ना, जो बोलते हैं कि जो फायदा हुआ कैसे हो गया, उसका भी कारण है, जो उनका रेवेन्यू सरप्लस बोलते हैं, रेवेन्यू सरप्लस हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि दिल्ली सरकार का बहुत सारा विभाग केंद्र सरकार के हाथ में है, उसका पेंशन देना केंद्र सरकार के हाथ में है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली पुलिस किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन कुछ कुछ विभाग केजरीवाल के हाथ में, जो कि घटिया पड़ा हुआ। सुनिए, केजरीवाल का एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम नहीं याद है, BJP सरकार ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा संभालिए, जानते हैं हॉस्पिटल के बाहर ताला लटक रहा है, और यहीं RML देख लीजिए, RML में मानते हैं बहुत भीड़ है,
जहाँ फ्री की सुविधा होगी वहाँ भीड़ जाहिर बातें होगी, तो वहाँ पे भीड़ है, लेकिन है सुविधा अच्छी है वहाँ पे भी, लोग जाते हैं, ट्रीटमेंट अच्छी मिलती है, डॉक्टर अच्छे बैठते हैं। तो ये एक सवाल आपसे, आपने बोला कि एनसीसी की लड़की ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है ना, आज तक प्रधानमंत्री से किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा? कोई प्रेस मीटिंग हुई आज, आप पत्रकारिता से हो, कभी कोई प्रेस मीटिंग हुई कहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी ने किसी को भी बोला ओपनली कि आप आओ मुझसे सवाल पूछो? आज तक बताओ, बहुत कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं मोदी जी। सारा सुनिए, प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है, बहुत सारा ऐसा लाइव ऑन चैनल जो नेशनल न्यूज चैनल है वहां पे बैठ के और स्टूडेंट से उन्होंने बात किया एकदम फेस टू फेस, और सवाल स्टूडेंट ही पूछा, और सर वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, यार क्या बात भाई, तू का देश की प्रधानमंत्री है, कोई भी लाइव शो चलता है सर, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री कोई भी बने, कोई भी सत्ता हो, जो 70 साल से जो इतिहास है, 1947 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, 13 इसके पहले 14 नरेंद्र मोदी जी हैं, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सभी डायरेक्ट जनता से आके बात किए हैं, कभी ना कभी तो किए हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी किए हैं, बहुत बार किए सर, यार हजारों वीडियो, कई गो वीडियो बताएं, कई गो वीडियो आज तक में गए हैं, आज तक के शो में डायरेक्ट बात किए, आपकी अदालत में डायरेक्ट बात किए, कई गो शो में बात बताएं, कई गए प्रधानमंत्री बनने से पहले गए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं गए, भैया इनको यही नहीं पता है, अब इनको क्या बोलेंगे, लीजिए उस 2019 में गए हैं, एयर स्ट्राइक के बाद गए हैं, जो आपकी अदालत है ना, एक मतलब वो प्रोग्राम है आपका, ठीक है, वो पहले से ही पूरा स्क्रिप्टेड है, ठीक है, कि आपको क्या, ठीक है, सवाल क्या कहता वो क्या चीज का सोता है, राहुल गांधी से तो डेली सवाल हो रहे हैं, उसकी जो यात्रा चल रही है, ठीक है, उसमें हर कोई हर मीडिया का काम क्या है कि विपक्ष के नेता के पास जाए, बोले कि सर एक बात बताइए, जो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या नुकसान है, तो सर मीडिया का काम है, वो तो जाएगा ही पूछने, वैसे नरेंद्र मोदी जी भी रैली करते तो जाता है मीडिया कि सर क्या करना चाह रहे हैं देश की जनता के लिए, बताइए एक भी दिखा दो जहाँ पे जवाब दिया है, अरे हर जगह जवाब दिया, सुनिए जवाब बता देते हैं भैया, रोजगार रोजगार बोल रहे हैं ना, पहले भी आर्मी में बहालियां होती थी, लेकिन सुनिए, जहाँ 10 लाख लोग फॉर्म भरते थे तो मात्र 1 लाख को रोजगार मिलता था, मतलब 25% मान लीजिए, ठीक है, वही मोदी जी यहाँ बोले कि हम थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से करना, क्योंकि नोकिया 35 है, अब आज के समय में कोई नहीं एंड्रॉयड सब कुछ चलाएगा, बोले कि हम नया तरीका लाते हैं जिससे रोजगार भी मिलेगा और लोग विजन उनका क्लियर होगा, जिस उम्र में लड़के जाते जाते बिगड़ने लग रहे हैं कलयुग में, उस उम्र में मोदी जी क्या बोले कि सुनिए अग्निवीर योजना ला रहे हैं 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट, लेकिन जो उसमें से जितना भी बहाली होगा उसमें 25% को हम परमानेंट करेंगे, सेम बहाली, सुनिए सेम बहाली, लेकिन जो 75% बाहर जाएंगे, लोग कहें कि 75% वाला क्या करेगा, सुनिए क्या करेंगे बता रहे हैं, अग्निवीर योजना किसी ने पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, बता देते क्या करेंगे, जो 75% छात्र बाहर, जो बहाली जिनका हुआ है वो बाहर, उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा अग्निवीर योजना के तहत, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को लेकर, और कहीं पर भी जाते हैं तो उस किसी भी नौकरी के लिए, चाहे वो सरकारी बैंक पीओ के लिए हो या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए हो, चाहे बैंक में लोन लेने जाए तो 0% इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाएगा, हर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, प्राथमिकता का मतलब समझ में आता है, अगर उनके पास अग्निवीर योजना है तो जितने प्रोसीजर से बाकी आम जो बाकी छात्र जो बहाली के लिए फॉर्म भरेंगे उनसे ज़्यादा प्राथमिकता उनको दी जाएगी, कुछ कुछ जगहों पे, सारे जगहों पे सर रोजगार दे तो रही है, और सुनिए और जो सैलरी दे रही है, रोजगार और नौकरी में अंतर समझिए पहले, रोजगार और नौकरी में अंतर होता है, समझ रही हैं ना, नौकरी इस देश में सिर्फ 1% लोगों को मिल सकता है, तो 99 तो बेरोजगार होंगे, बात समझ रहे हैं, तो अब यह सरकार ने बड़ी बारीकी से इसको मुद्दा इसलिए बनाया है कि हमेशा 99 लोग बेरोजगार रहेंगे और यह मुद्दा उठता रहेगा और हम इस पर राजनीति करते रहेंगे, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा जी सर, उन्होंने जैसे अग्निवीर का बोला कि एक जो 4 साल का लड़का आ रहा है उसको हम वो देंगे, जैसे जो एक्स सर्विस मैन होते हैं 15-15 साल और मतलब 4 साल वाले से तो ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं वो लोग, वे ऐसे घूम रहे हैं उनके लिए नहीं, एक मिनट के बाद देखो अंतर समझो, पूरी बात तो बोलने, ये 17-4-21 साल में वो लड़का बाहर आएगा, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो 50 साल में बाहर आते हैं, मेरे को बोलने दो, वाले को नौकरी मिलेगा या 50 साल वाले को मिलेगा, बोलने दो ठीक है, 21 साल में जो लड़का आ रहा है उसको ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे दिल्ली में बिठा के जॉब कराएंगे, उसको भेजेंगे बॉर्डरों पे, ठीक है, शहीद हो गया या फिर अब जैसे हाई एल्टीट्यूड पे बंदा जाता है वहाँ 10 बीमारियां लेके आता है, ठीक है ना, उसको मेडिकल फैसिलिटी है उसके बाद 4 साल के बाद, 4 साल के बाद अभी 75 हर किसी को भी आर्मी में जो बहाल होगा उसको सरकार कोई फैसिलिटी नहीं, मतलब बिना सिर पैर के, इसी से पता चल रहा है कि भाई कितने ज्ञानी है, कुछ भी बोल रहे मैडम, जो देश के लिए अपना
सुनिए भाई, बहुत अच्छा पॉइंट बोले, अगर चार साल में बहाली जो हुए हैं अगर वो मर जाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए सरकार प्रोविजन डालिए, पूरा अग्निवीर योजना पढ़िएगा तब जानकारी मिलेगा, आधा अधूरा वही बात हो गया। आधा मुआवजा देगी सरकार जो शहीद हो जाएंगे, और सरकार देती है। सुनिए, जो अभी आर्मी मैन मरते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, सरकार उनको मुआवजा देती है, उनके घर परिवार को नौकरी, अरे दे तो रही है, इसमें भी दे रही है, लेकिन तरीका थोड़ा डेवलप कर दिए, पेट्रोल पंप देना शुरू, तरीका डेवलप कर दिया, बात समझ रहे हैं ना, ये जानबूझ के, चूंकि एक मिनट यह उस तरह से नहीं कर सकते है ना, इनके पास तो उस तरह का विजन न किए हैं न करेंगे। दिग्विजय सिंह ने धक्का मार के गाली दे के एक मिलिट्री मैन को कहा कि तुम्हारी हैसियत, यह लोग समझते हैं उसको गार्ड, जिस तरह से गार्ड होता है ना, जो गार्ड समझता है वो सेना की इज्जत क्या जानेगा, इसलिए इस तरह के लोग दिग्भ्रमित करते हैं कि देखो अग्निवीर में ऐसा ऐसा है। 400 बार भारतीय जनता पार्टी भैया, बीजेपी तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो ताना जो जो, जो ताना यार किसका चुनना चाहते हैं ये पूछिए ना इनसे। एक मिनट अब रुक जाइए, किसको चुनना चाहते हैं आप एक शब्द में सर? चुने चाहे किसी और को भी, किसको चुनेंगे एक शब्द में? बोला था तीन शब्द बोल दिया आपने, केजरीवाल हो रहा एक शब्द, चाहे नहीं एक शब्द, केजरीवाल हो गए, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे आप, समझ गए हम, चलिए ठीक है काट दो।